हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लास 27। देखिए, आज हम मैथ्स का नया बैच, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और टर्म टू का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड कब सुना था? क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 8th में सीखा था आपको। जब ट्रिग्नोमेट्री सिखाया गया था, केवल आपको बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका कुछ एप्लीकेशन, कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए गए थे। लेकिन आज आपको क्या सीखना है? थोड़ा एडवांस सीखना है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह बात करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने 10th में एग्जाम तो हो नहीं पाए आपके, तो जिन बच्चों ने मेहनत नहीं, जिनको नहीं थोड़ा आइडिया है, अब ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? मेजर ऑफ थ्री साइड, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तीन साइड्स का मेजर ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। सपोज, और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ए बी सी, ये राइट एंगल है। और एंगल ए और एंगल सी क्या? एक्यूट। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। कोई डाउट मन में आता है? नहीं है। आपने यहाँ पर सीखा था कि सर 90 के सामने वाला तो होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और जिस एंगल की मैं बात करता हूँ, मान लो एंगल ए की बात कर रहा हूँ, तो एंगल ए के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पे बन रहा है वो क्या बन जाएगा? बेस। लेकिन अगर मैं एंगल सी की बात करता हूँ, ये थोड़ा क्लास 10th का लॉजिक है जिसे हम डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए ये और परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बेस। और हाइपोटेन्यूस तो क्या रहने वाला है? 90 के सामने वाला। कुछ ऐसे सीखा था 10th में, सीखा था एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। आपने क्या डिस्कस किया? साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा बी अपॉन में एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। साइन का अपोजिट क्या सीखा था? एच अपॉन में पी, सेक का हो जाएगा एच अपॉन में बी, और टेन का अपोजिट बी अपॉन में पी। सब कुछ क्लियर है? क्लास 10th की थोड़ी याद आ गई होगी आपको। और इसके तो टेबल सीखी थी, साइन 0 पे, 45 पे, जीरो, फिर की जरूरत क्या था? 30, 45, 60 और ये 90। उसके बाद ही आगे की भी टेबल्स है, मैं आपको बताऊंगा कैसे टेबल बनाई जाती है। अभी खाली इतना समझो, साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2, 2√3/2 और ये 1, कॉस 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, 10, 0 पौने 1, 0, 1/√3, डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, डिवाइड करूँगा तो √3 आएगा, और 1/0, देखो 1/0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। किसी संख्या को 0 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ये कुछ बेसिक था जो अपने क्लास 10 में सीख के आए हो। यस या नो? सीख कर आए हो। इसके अलावा आपने तीन फॉर्मूले ये भी सीखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूले सीख कर आए हो? क्या नहीं? यस। तो पहला पीस ना नोट करो, ये तो थोड़ा 10th का रिवीजन था जो समझना बहुत जरूरी है। देखो, अब हम थोड़ा क्लास 11th को चलने वाले हैं। 10th का बेसिक समझ में आ गया सबको? ठीक है। 11th में स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है समझते हैं। तो सपोज मैंने लिया इनिशियल साइड और एक बनाया मैंने टर्मिनल साइड, अगर मैं इनिशियल से टर्मिनल की तरफ कोई एंगल बना रहा हूं
ये कैसे चल रहे हैं हम, एंटी क्लॉक वाइज। देखो घड़ी कैसे चलती है, घड़ी चलती है इस तरीके से, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12। लेकिन हम बात कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज। तो जो एंगल क्रिएट होगा उसे बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल। कोई डाउट बन में? लेकिन अगर मेरी इनिशियल साइड ऊपर है, और इस बार मेरा जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है क्लॉकवाइज टर्मिनल साइड, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। किसी के डाउट मन में? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो समझना, सबको यहां से एग्जांपल समझना। सपोज मैंने एंगल बनाया 45 डिग्री का, ये कैसा एंगल है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव 45 डिग्री। देखो ये भी तो 45 है, बट कैसा है ये, माइनस 45 डिग्री, क्योंकि इस बार मैं इनिशियल से कहां जा रहा हूं, टर्मिनल की तरफ, लेकिन कैसे जा रहा हूं, क्लॉक वाइज जा रहा हूं, और यहां कैसे क्या था, एंटी क्लॉक वाइज। तो आप कभी डी पे चेक करोगे तो डी पे कैसे चलोगे ना, नीचे से ऊपर से चलना स्टार्ट करोगे तो क्या देखेगा, 45, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या दिखता है आपको, नेगेटिव। तो ये नया कॉन्सेप्ट था नेगेटिव। अब तक हमने क्या सीखा है, पॉजिटिव सीखा था 45, 30, 16, 19, 105, 120, बट अब क्या सीखने को मिल रहा है, कुछ नया। और नया क्या सीखने को मिल रहा है, नेगेटिव एंगल्स। कोई डाउट बन में किसी को? तो नेगेटिव एंगल कब बनेगा, जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे क्लॉक वाइज चलोगे। क्या चला जाएगा, क्लॉक वाइज। सपोज समझना, अगर मैंने यहीं से चलना स्टार्ट किया और यहीं पर आ जाऊं, इसे क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट एंगल। क्यों, जीरो से स्टार्ट करके वहीं पर पहुंच गया हूं। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। यस, इसका मतलब क्या है, यही हमारी इनिशियल साइड है और यही मेरी टर्मिनल साइड है। कोई डाउट मन में? नहीं, देखा ध्यान देना, ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री। ए हो गया और ये बी हो गया, एंटी क्लॉक वाइज कितने का एंगल बना, 180। ये कितने का बन गया, देखो पूरी अगर लाइन होती तो 180 का ऊपर और 90 के इधर कितना होगी, 270। और अगर मैं और घुमा दूं इसको ऐसे चल के इधर आ जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये एक राउंड, मतलब कंप्लीट एंगल एक राउंड लगते कितने एंगल बन जाता है, 360 का। किसी का मन में डाउट? लेकिन अगर मान लो मैंने एक राउंड तो ले लिया 360, लेकिन मेरा भी एंगल पूरा नहीं हुआ, मेरा एंगल 360 नहीं है, 420 है सपोज, तो मुझे 60 डिग्री और ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो मुझे 60 डिग्री और ऊपर जाने के लिए ये क्या बन जाएगा, 420। कोई डाउट समझ में आया? देख क्या बताया मैंने, एक कंप्लीट एंगल बना तो क्या बना, 360। लेकिन लाइनिंग पे थोड़ा ध्यान, इसका लाइनिंग मैं ऐसे कर दूं, पूरा कंप्लीट के बाद ऊपर गए क्या बोलेंगे इसे, 420। तो जिस तरह ही सारे एंगल पॉजिटिव है तो क्या नेगेटिव नहीं होता, कैसे नेगेटिव होगा अगर मैं बताऊं नेगेटिव का, तो इसमें आप कहां से कैसे चलते हो, क्लॉक वाइज। ये कैसा एंगल है, माइनस 420, क्योंकि पूरा नेगेटिव चल के आए 360 तक, माइनस 360 और 60 और नेगेटिव चले तो कितना हो गया, 420। तो किसी बच्चों के यहाँ पर कोई डाउट? तो ये केवल अभी ये हमने क्या डिस्कस किया, केवल डिग्री मेजर सीखा है। अब हमें क्या समझना है, देखो तो डिग्री हमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज उसमें हमें बात करनी है डिग्री, और एक बात करनी रेडियन, एक डिग्री और एक रेडियन। डिग्री का मतलब कहना चाहता हूं मैं 180 डिग्री, और रेडियन का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, पाई। बात एक ही है, आप 180 डिग्री बोल लो चाहे पाई रेडियन बोल लो, कोई फर्क नहीं है।
अगर आपसे मैं बोलूँ भैया एक डिग्री का मतलब कितना होगा, तो क्या बोलोगे कि सर पाई अपॉन 180, यस या नो? यस। अगर 180 डिग्री मतलब होता है पाई, तो 1 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाय 180, पाई बाय 180। अब वो कितने भी डिग्री निकालना हो, क्या डिग्री से हम रेडियन में जा सकते हैं? तो जब डिग्री से रेडियन पे जा सकते हैं, तो क्या रेडियन से डिग्री में नहीं आ सकते? वो भी आ सकते हैं। समझना कैसे, अगर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन मतलब कितना होगा, 180 अपॉन में पाई। ये हम कहां से कहां गए हैं, रेडियन टू डिग्री। किसी के मन में डाउट यहां तक? अभी थोड़ा सा और इसको हम डीपली पढ़ते हैं, पहले से कॉपी करो। देख कुछ हम डिग्री समझते हैं यहां पर, यहां बात करेंगे हम डिग्री की, यहां हम बात करके रेडियन की। जैसे आपने पहला बताया क्या, 30 डिग्री, आपको मैंने क्या बताया था, 180 डिग्री का मतलब होता है बेटा पाई, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा, पाई अपॉन में 180। एक बात और नोटिस करनी है, जब भी डिग्री से रेडियन पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पाई बाय 180। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू में पाई बाय 6। कोई डाउट मन में? नहीं। अगर 45 जाना चाहते हो आप, तो क्या करेंगे, 45 ये सब यहीं पे देख लो, 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 9 5 45, 9 2 18 और 0, 5 5 5 5 20, पाई बाय 4। ना समझा तो बता देना, कुछ दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 60 बताइए, 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 3। 90 का, 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो सपोज मैं यहां रखा रे पाई, तो पाई है, पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, चेक कर लो। तो ये आपने जो मैंगल सीखे हैं वो क्या सीखा था, डिग्री से रेडियन पे जाना सीख लिया। क्या सीखा, डिग्री से रेडियन। लेकिन आपको मैं एक, अब रेडियन से डिग्री का भी थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास सपोज गिवन है 3π/2, क्या गिवन है, 3π/2। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि सर पता नहीं चल रहा 3π/2 क्या है, इसका डिग्री क्या है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 क्या है, कुछ अता पता नहीं है। समझना, पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय पाई। फील करना क्वेश्चन को, 3π/2। दोबारा समझना, अगर डिग्री में जाना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 डिवाइड बाय पाई। रेडियन टू डिग्री, तो मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई। ठीक है, शॉर्टकट तरीका। और अगर डिग्री टू रेडियन, तो मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा, पाई बाय 180। इन दोनों बातों में फर्क समझ आ गया? तो यहां पे मुझे कहां जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई, तो मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई से पाई कैंसिल, 270 डिग्री। तो किसी मन में कोई डाउट एग्जांपल्स को लेकर? ठीक है, इसे फटाफट कॉपी करो, फिर आकर देखिए। देखिए अगर 30 डिग्री हो, 45 हो, 40 हो, 70 हो गया, 80, कुछ भी हो, ये तो आप फील कर लेते हो कि सर डिग्री है, समझ में आ जाता है। 90 डिग्री, 105 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होती इन सब बातों में। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूँ 30.5 डिग्री, तो क्या मतलब है इस बात का, कि भाई पूरा 31 डिग्री नहीं है, 30 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 30 से थोड़ा ऊपर है। समझना गहराई, 30 से कितना ज़्यादा है, 0.5। अब समझना, देखो तो एक डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, क्या होता है, 60 मिनट। इसे हम क्या रीड करते हैं, 60 मिनट। तो 1 डिग्री का कितना हो गया, 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है,
60 सेकेंड, मतलब मिनट से भी छोटी यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड, 60 सेकेंड। कोई डाउट मन में? तो मैंने क्या बताया तुम्हें, एक डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और एक मिनट का मतलब 60 डिग्री। अब सपोज आपने 30.5 फिगर का है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो 30 डिग्री तो सही है अपनी जगह, कोई डाउट गलती नहीं है। और ये 0.5 मतलब क्या होगा, 0.5 मतलब 1/2 डिग्री, 1/2 और एक डिग्री मतलब कितना है 60, तो इनटू में 60 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 30, तो ये हो गया 30 डिग्री 30 मिनट। कोई डाउट मन में? आपने देखा कि 30.5 डिग्री था तो मैंने क्या लिखा है इसे, 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट। कोई डाउट यहाँ तक? जो समझना हमें क्या पढ़ना है, सर्कल और यहां मैंने बनाया एक सेंटर। देखो ये क्या दिख रहा है, एक आर्क ऑफ लेंथ है ए और बी, क्या पढ़ते हैं इसको हम, आर्क ऑफ लेंथ। सपोज इसको मैंने लिया एक यूनिट, क्या लिया मैंने, वन या एक सेंटीमीटर मान लो, और उसकी रेडियस भी कितनी है, 1/1 है। देखो यहां पर जो एंगल बनेगा हमें कैसा बनाना होता है, देखो दो तरह के, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव जाना हो तो कैसे जाते हैं हम, अगर पॉजिटिव बनाना हो तो मुझे नीचे से ऊपर, ठीक है। तो मैंने सब क्या नाम दिया, 1 रेडियन, क्या नाम दिया उसको मैंने, 1 रेडियन। देखो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। अगर आपको थीटा निकालना है रेडियन की फॉर्म में तो क्या निकलेंगे हम, एल अपॉन में आर, चेक कर लो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। कोई डाउट? लेकिन आपको क्या जानना है, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ। तो एल इज इक्वल टू जो डिवाइड वाला आर है वो कहां चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर मल्टीप्लाई थीटा रेडियन, आर मल्टीप्लाई थीटा रेडियन। तो अगर मैं आर को थीटा रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल जाता है इससे मेरे पास, आर्क ऑफ लेंथ। तो ये पूरा बेसिक था इस 3.1 का, किसी मन में कोई डाउट आता है।